अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और आज है रमजान का 8th डे, तो हम तैयारी नहीं 8th, सॉरी फिर क्या नाइन डे। तो आज हम तैयारी करेंगे, आज मैं पकाऊंगी कुछ स्पेशल इफ्तारी के लिए। जैसे कि मैंने सोचा हम बिरयानी तैयार करेंगे। अब हम देखते हैं कि कैसी बनती है हमारी प्रैक्टिस वाली बिरयानी। तो चलिए चलते हैं। हाँ, और हाँ गाइज, मैंने चिकन लाने के लिए छोटू को भेजा है। बेचारा जब आएगा तभी हम बनाएंगे। फिलहाल हम खाना वाना तैयार करते हैं, तो फिलहाल छोटू को भेजा है, तो फिलहाल हम बासमती राइस वगैरह लगाएंगे। तो फिर जब छोटू आएगा फिर सिर्फ उनको आपस में मिक्सी इतना करना होगा। फिलहाल भाई जैसे दूर है बेचारे, अब क्या करे, चिकन को ला रहे हम ताकि वो करीब आए बासमती राइस के और हमारे पेट में जाए। तो गाइज हम लेंगे पहले पानी के 15 कप। चलिए सॉरी गाइस, कुकर में फोन चला गया था, हमारा फोन वाटरप्रूफ था इसलिए बच चुका है। हाँ, तो हम डालते हैं पहले इलायची, दालचीनी, और मुझे ये नहीं पता ये क्या है, ये मामा को ही पता है। जिगर तेज पत्ती के साथ ही चली गई, जल्दी आओ। छोड़ो तो तेज पत्ती मुझे हम कैंसिल करते हैं प्रमोशन इस वीडियो में। हम आशिक ये रही तेज पत्ती, और जो कि मेरी किस्मत से मिली है, और ये रहे बड़े, पता नहीं कुछ बर्ड ऑयल बोलते हैं इसको, बड़ी इलायची। हाँ, तो गाइस इसको हम डालेंगे अब राइस कुकर में, और फिर उसमें फिलहाल के लिए बॉईल हो जाएगा, उसके बाद अब उसमें चावल डालेंगे। अरे नमक भी इसमें ऐड करना है, सॉरी मैं भूल गई थी। बस मिक्स करना है अच्छे से। मिक्स करने के बाद हमें इसको बंद करना है, जब तक ये अच्छे से, तो क्या बोलते हैं कश्मीर में, तो गाइज मैं कुपवारा की हूँ, मेरी कश्मीरी थोड़ी हवा हो तो उसमें कुछ बेचारे मुझे आप नहीं बोला आप कैसी कश्मीरी करती हो, मैं कुपवारा की हूँ तो हम जैसी करते हैं वैसे ही बोल रही हूँ। अब सोफिया आटा, तो लास्ट व्लॉग में किसी ने कहा था आप क्यों नहीं काम करती हो खुद, आपने छोटू क्यों रखा है, वो तो मतलब मैं पढ़ाई में एक्चुअली ज्यादा बिजी रहती हूँ, वो आता है बीच में, मैं पढ़ाई में ज्यादा बिजी रहती हूँ, बट आज मेरा मन किया तो मैं आज मन किया हेल्प करने का तो कर रही हूँ। अब हम पापा लेट आई है, उसने कहा ना शायद रोटी नहीं लाएगा, तो पापा शायद रोटी नहीं लाएंगे, इसलिए आटा खुद भूलूंगी। आता मुझे सब कुछ है, अब मैं थोड़ी बहुत ही प्रोफेशनल शेफ हूँ मैं, बट क्या बोलूँ, करना नहीं चाहती हूँ मैं अभी क्योंकि पढ़ाई में बिजी रहती हूँ। दे दो आटा, हो गाइस आटा गूंद के खत्म हो गया है, तो अब क्या करना है कि इफाम को मैंने बोला ड्राई फ्रूट लाने के, जो तो इफाम जा रहा है ड्राई फ्रूट लाने, तो ताकि हम सीमी बनाए, सीमी सिवैया बनाए, सिवैया सीमी कश्मीरी में, हाँ तो वही बनाए। तो इफाम जाओ तुम जल्दी से आओ। अस्सलाम वालेकुम, मिक्स ड्राई फ्रूट पैकेट एक दे दो। तो गाइस इसने ड्राई फ्रूट लाए और मैं चावल साफ कर रही हूँ क्योंकि अब हमें उसमें डालेंगे, बस वो कितना उठाएगा। वैसे मैं बनाने जा रही हूँ, हमने इसमें डाले कैशू नट्स, ऑलमंड्स भी हमने डाले, कैशू नट्स भी डाले, डालो ये तो ये मैं उनके लिए दिखा रही हूँ जिनको नहीं आता है बनाना, ये नहीं क्योंकि लास्ट टाइम रामन पे किसी ने लिखा था हमें तो जैसे मैगी नहीं बनानी आती, तो मैंने कब खा आपको नहीं आती है, एक चीज़ है हेटर्स पूरी वीडियो देख के जाते हैं, हेटर्स पूरी वीडियो देख के जाते हैं, तो मुझे वो मिलता है अपना, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 1400 बढ़ते हैं उसे। जब तक ये तैयार हो जाएगी तब तक अब हम वहां स्किप करेंगे। तो वो मैंने बड़ा अच्छा जोक क्रैक किया जो मैं नहीं बोल सकती जो है मतलब ये हो गया है मतलब बॉइल, अब हम इसमें चावल डालेंगे। तो गाइस पापा ने बैल रखी है अपने, ये पापा ने नई चीज इजाद की है, ये लगा रही थी बाहर, वो बुलाता है वो बुड्ढों की तरह, पापा नहीं तुम लोग जल्दी मेरा नहीं सुनते हो जब मैं तुम लोगों को बुलाता, इससे वो बैल बजाते फिर हमें दौड़ते दौड़ते जाना पड़ता है। अब मैं छोटू को कॉल करती हूँ, तो हम बनाएंगे चटनी, इसको क्या बोलते हैं, कौन सी चटनी, पुदीने की चटनी, अखरोट दो, अखरोट तोड़ूंगी देसी अंदाज में फुल, देसी अंदाज में फुल, इसको बोलते हैं न्योम, न्योम बोलते हैं ना, हाँ न्योम ही बोलते हैं।
तोड़ेगा इफाम अखरोट, इससे तोड़ेगा, उठाओ इफाम तोड़ा भी कर सकती थी, बट वो उसमें ज्यादा मजा नहीं आता बिकॉज देसी स्टाइल इज देसी स्टाइल, वो जूस जैसा बन जाता है। हाँ वो जूस पीने का शौक तो नहीं है मुझे। आप क्या कर रहे हो? रोटी बना रही हूँ। चलो अभी इफ्तारी कब होगी? मुझे भूख लगी आज। अभी डेढ़ घंटा है। आपको क्या लगता है हमारी रोटी कैसी बन रही है? अच्छी बन रही है। तो गाइस हम आ चुके हैं बाहर क्योंकि छोटू को वहाँ मुर्गा नहीं मिला जहाँ से हम लाते थे, हम दूसरी शॉप पे आ गए थे और दही भी ले लिया है, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, तो चलो अभी वहीं पे मिलते हैं। तो गाइस दही और चिकन आ चुका है। यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? फूड कलर डाल रहा है। वाह कौन सा फूड कलर? सही ओके जो भी है ये अब कम टाइम रह चुका है। हाँ बहुत कम टाइम, अब चिकन थोड़ा जल्दी लाओ। मिक्सचर चल रहा है इस चीज का, एंड के 5-10 मिनट में बनाना है। मुझे से गोल गप्पे याद पड़े, कैसे वो गोल गप्पे बनाते हैं ना? मैंने हैंड वॉश करके बनाया है। ठीक है लड़कियों को मारो उसी में टेस्ट आता है। पिंक कलर ले सकते हैं आप। क्या क्या डालने वाली थी इसमें? ये कहाँ इसमें इसमें लगता है मतलब इसी में ना जैसे केक में केक वेक के लिए। ठीक है हम पिंक बिरयानी बनाते हैं आज। मजा लो क्या आ गए यहाँ पर देखो इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस वाह इसको डाला था इसमें इसको डालने का मैंने ये रिफ्लेक्शन आ रहा है। हल्दी डाली थी तुमने उसमें? चलो हमें पसंद है घर की बिरयानी क्योंकि उस वाली में बहुत तेल होता है तो उससे बेटर है ये वाली। अच्छी है अपनी घर की। हाँ बाकी अभी तैयारी होने वाली है, यहाँ ट्राई करेंगे। अभी कहाँ? अभी पहले वो खा लेंगे तो बाद में ट्राई करने के बाद देखते हैं क्या। हाँ उसको चलो हमारी बिरयानी आज हमने ऐसे शुरू की खाना खाते वक्त ही मतलब फ्रूट्स फ्रूट्स उधर छोड़ दिए। गाइस फाइनली आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत ज्यादा थक गई मैं ये सब करते करते, बहुत सारे ढूंढते ढूंढते ये सब कुछ करते। हाँ, मसाला ढूंढने में ही टाइम लगा। बिरयानी तो अच्छी बनी थी, अब हम फार्म से ही पूछ लेते कि बिरयानी कैसी बनी थी। तो कैसी बनी थी? बिरयानी काफी अच्छी थी। हाँ कैसा टेस्ट? बिरयानी जैसी दिखी नहीं मुझे, वो दिख तो नहीं थी बट टेस्ट अच्छा था। हाँ अच्छा था वाह। तो चलो हम जाते हैं, कल मिलेंगे हम या परसों। हाँ तो हमारी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जल्द से जल्द हमारे सब्सक्राइबर्स होने चाहिए 10K। 10K करा दो, अब 10K की मांग है हमारी।